बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ खड़से को बताया बुझा हुआ दीपक, एनसीपी टूटने पर दिया था शरद पवार का साथ। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता गिरीश महाजन ने रविवार को अपने पूर्व सहयोगी एकनाथ खड़से को बुझा हुआ दीपक करार दिया है। ये टिप्पणी एकनाथ खड़से की इस घोषणा के बीच आई है कि वे बीजेपी में वापस जा रहे हैं, जिसे उन्होंने अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शामिल होने से पहले 2020 में छोड़ दिया था। गिरीश महाजन ने आगे कहा कि पिछले साल जुलाई में अजीत पवार के 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो जाने से एनसीपी टूट गई थी। अब खड़से ने शरद पवार का साथ देना सुना, वो एक बुझे हुए दीपक की तरह हैं। एक ग्राम पंचायत भी उनके हाथ में नहीं है। बीजेपी नेता ने एकनाथ खड़से पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक बैंक को नियंत्रित करते थे, लेकिन निदेशक मंडल भी बदल गया और नए बोर्ड सदस्य तक उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उनके फैसलों को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया जाए। गिरीश महाजन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एकनाथ खड़से की पत्नी और बेटी पहले भी चुनाव हार चुकी हैं, जो जलगांव जिले में खड़से के कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में रह चुके हैं विपक्ष के नेता। गिरीश महाजन ने कहा कि संयोग से खड़से 2009-2014 के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जब बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 120 सीटें जीती थी। हालांकि उन्हें देवेंद्र फडणवीस ने हराकर शीर्ष पद हासिल किया। गिरीश महाजन ने आगे कहा कि इस दौरान खड़से को कुछ महत्वपूर्ण विभागों से ही संतोष करना पड़ा, लेकिन भूमि सौदे में अनियमितताओं के आरोपों का सामना करने के बाद 2016 में उन्हें फडणवीस मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी बेटी रोहिणी खड़से को मंत्रालय दिया गया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुक्ताईनगर से बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वह निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रकांत निम्बा पाटिल से हार गईं। वहीं चंद्रकांत निम्बा विधायक पाटिल ने कहा कि उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है, लेकिन वे केवल तभी टिप्पणी कर पाएंगे जब खड़से आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस बीच रोहिणी खड़से ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि वे अपने पिता के साथ बीजेपी में नहीं जाएंगी और एनसीपी की पार्टी में ही रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।